हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक पति ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी है। मामला भिवंडी के अंसार नगर का है। मोहम्मद रफीक खान अपनी पत्नी नसरीन खान और बच्चों के साथ यहां रहते थे, मगर नसरीन खान का सद्दाम नामक एक युवक से प्रेम संबंध था, जिसका एक वीडियो इलाके में काफ़ी वायरल हो रहा था। गुस्से में आकर 50 वर्षीय रफीक खान ने पत्नी नसरीन खान 38 वर्षीय की पेट में चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रफीक इतने गुस्से में था कि नसरीन के पेट में चाकू से कई बार वार किया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। नसरीन के परिजनों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। भाई, क्या हुआ है आपके यहाँ, जो मसला हुआ है अभी? ये घर का मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ है आपस में। दो तीन दिन से चल रहा था तनमन। तो अपनी छोटी बहन के यहाँ रह रही थी औरत जाके, तीन बच्चे की माँ है, 16-17 साल हो गए शादी होके। उसके बावजूद वो आदमी जो है कमा धमा नहीं कर रहा था, रोज़ मारपीट वो छोड़ के यहाँ आई। उसके बाद में वो आदमी आज इतने हद पार कर दिया कि चाकू से उसके पेट में काफ़ी वार मार दिया। हॉस्पिटल लाते लाते उसका इंतकाल हो गया। आने वाला उसका आदमी रफीक खान है, जिसकी डेट हुई है उसका नसरीन रफीक खान। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये यूपी के रहने वाले हैं सर। तो फिलहाल अभी ये मामला हुआ है, तो इसमें जिन्होंने मारा है वो कहाँ पर हैं? अभी जिसने मारा है वो मार के वहाँ पुलिस चौकी में जाके बैठ गया सर। तो इनके बच्चे वगैरह? बच्चे वगैरह अभी सब बेघर हो गए हैं। अभी उनको सहारा उनके जो है नाना नानी देंगे, जो देंगे, और कौन है सहारा उनका। मारने वाले का तो कोई भी नहीं था आगे। आपका उनसे क्या रिश्ता है? मैं उसका जीजा हूँ, वो मेरी साली थी बड़ी। आप कहाँ रहते हैं? मैं गैबी नगर रहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो हुआ है वो तो बहुत गलत हुआ है। हम पुलिस से चाहते हैं कि वो अपना कार्रवाई करे पूरी, और हमको इंसाफ मिले, उसके घर वालों को इंसाफ मिले, उसके बच्चों को इंसाफ मिले।